मुंबई के वर्ली में स्थित नेहरू सेंटर में चित्रकार कनान खांत द्वारा बनाई पेंटिंग जोई बाय कनान का एक सप्ताह चलने वाले आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ किया गया। इस खास मौके पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा धारावाहिक की नेहा मेहता यानी अंजलि मेहता भी बतौर मेहमान के रूप में पहुंची और उन्होंने एग्जीबिशन में लगे पेंटिंग। तो आइए सुनते हैं इस खास मौके पर आए हुए मेहमानों ने इस आर्ट एग्जीबिशन के बारे में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। जो रहती है और फीमेल का भी, तो वो
ध्यान में रखते हुए कंबाइन करके मैंने डिज़ाइन क्रिएट की है, आपने सैंड आर्ट पे देखा होगा। देन आई हैव, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मीडिया मीन्स सिर्फ कलर में क्यों पेंट करे, तो मैंने यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग किए हैं लैंडस्केप्स वगैरह, उसमें मैंने मोल्डिंग क्ले किया है, मैंने गोल्ड लीफ यूज़ किया है कलर के साथ। मैं ऑलवेज सोचती हूँ कि लाइक हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। थैंक यू। मेरा ये जो काम आप देख रहे हो राइट ना, वो एक साल पूरा, एक साल, क्योंकि कंसेप्ट भी सोचना पड़ता है, उस पर कुछ नया क्रिएट करो। मैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं से कॉपी, आई डोंट लाइक, मुझे कहीं से कॉपी करना भी पसंद नहीं, कोई आइडिया कहीं से चुराना भी आई डोंट लाइक। ये सब जितने भी थीम है वो मेरे खुद के थीम है, मेरी आइडिया है, और मुझे कुछ अलग करना था इसलिए थोड़ा मुझे एक साल लग गया है। और यहाँ पे 50 से ऊपर मैंने पेंटिंग डिस्प्ले की है। या शी इज अ वेरी गुड पर्सन एज अ ह्यूमन, शी इज वेरी गुड, शी इज अ आर्टिस्ट, दैट्स व्हाई मुझे गारंटी था कि उसे पेंटिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे उनको ही बुलाना था, मुझे कोई और नहीं, मुझे ये नेहा ही चाहिए थी आज, बिकॉज आई नो हर पर्सनली। क्या ही कहें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आर्टिस्ट वर्ड जनरली जो अंग्रेज़ों के ज़माने से यूज़ किया जाता था और है, वो पेंटिंग और पेंटर जिसको कहते हैं हम कलाकार, चित्रकार, उसके लिए बचपन से सुना था। माँ और मेरे मामा दोनों फ्री हैंड आर्टिस्ट हैं, मेरी कज़िन शी इज़ एन आर्टिस्ट, और कानन बेन को जब मिली तब मुझे मेरी एक सोल सिस्टर कह सकते हैं, वो मुझे उसमें दिखी। पहले भी मेरी लाइफ में एज एन आर्टिस्ट आप अगर देखें तो फाइन आर्ट से बहुत जुड़े हुए कलाकार थे, पुनीता भक्ता जी जो अभी नहीं है हमारे बीच में, पर कानन बेन को मिलने के बाद लगा कि जो चित्रकार जिंदगी जीता है ना, जो सींचता है ना, वैसे चित्रकार है। आई मीन आर्ट गैलरीज वगैरह जितना फैंसी है और ग्लैमर इंडस्ट्री जितना फैंसी है, उतना ही हार्डवर्किंग, उतना ही पैशनेटली इफ़ आई से सींच लेते हैं ज़िंदगी के हर रस को, हर दिन को जो कलाकार जीते हैं ना, उनमें से एक है कानन जी, जिनको मैंने जीते हुए और सर्जन करते हुए देखा है। सो इट्स नॉट लाइक आई वुड रादर से इट्स माय प्रिविलेज। यहाँ पे धीमंत व्यास भाई जो मेरे भाई हैं, वो भी कलाकार हैं, उनके भी एग्जीबिशंस हो चुके हैं। ये गैलरी कानन बेन आपके जैसे कलाकारों के लिए और कलाकारों की भव्यता की देन है। और यहाँ पे इतने बड़े पैंडेमिक के माहौल में, जहाँ पे कोई तंत्र ठिकाने पे नहीं है, हम सब मिले हैं, थैंक यू कानन बेन, टू बिगिन अ ब्यूटिफुल, कलरफुल एंड बैलेंस्ड लाइफ। सो इट इज़ माई प्रिविलेज, अगर टाइम निकालना पड़ा या प्रोटोकॉल्स के साथ काफ़ी सारे नियमों को निभाते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ा, बेहाल भी थोड़ा सा होना पड़ा बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, बिकॉज एवरीवन इज कमिंग आउट, बट टुडेज एग्जीबिशन इज स्पेशल इन स्पेशलिटीज बिकॉज lots and lots of hard work of all of you all present here, trust me it will go long way, till 16 it is there, I'm telling you, for next 60 years she is going to go exhibit her paintings. और एक साल बहुत कम समय लगा है, मैंने देखा है कलाकारों को 6-6 साल लग जाते हुए भी 50 पेंटिंग को एग्जीक्यूट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जैसे 50 डायलॉग बोलना और स्क्रीन के लिए तैयार होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आप सब जानते हैं। पर वी एज अ टीम, कम ऑन, जो आज हम सब इकट्ठा हुए हैं एज अ पार्ट ऑफ आर टीम, हैज़ रियली मेड इट हियर एंड ऑल आर जस्ट अराउंड द एग्जीबिशन हॉल। सो खैर हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, पर आप सब घूमिए, माउथ पब्लिसिटी करिए, और डिसेंसी के साथ अगले 6 दिन यहाँ आइए और अपनी ऊर्जाओं को जागृत कीजिए एंड हैव अ कलरफुल लाइफ। थैंक यू सो मच मिसेस, आई एम फंबलिंग, थैंक यू सो मच मिसेस कानन खांत, एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर एग्जीबिशंस एंड आई एम ऑनर्ड, आई एम ट्रूली ऑनर्ड। एक और बात बताना चाहूँगी, आज जो कोई भी लोग नहीं आ पाए हैं कुछ असाइनमेंट्स की वजह से, उन सबका प्यार मैं भर भर के साथ में लाई हूँ, एंड दिस इज अ सक्सेस। यस, 2 साल से कोरोना चल रहा है, 2 साल के बाद आपकी आँखें ओपनिंग हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मायने?
बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये घर की बात है, क्योंकि ये कलाकार का बहुत ही शिद्दत से किया हुआ काम है, और आप एक एक पेंटिंग देखेंगे तो उसमें आपको जीवंत लाइफ नज़र आएगी। और दो साल के पैंडमिक ने तो आई थिंक आप सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप घूमे हैं, कि क्या बेहाल कर दी है ज़िंदगी। उसमें अगर कानन बहन जैसे व्यक्ति ने दो साल मेहनत करके आइडियाज़ कलेक्ट करके एक साल में अगर डिस्प्ले करना सोचा और उन्होंने किया, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक इंस्पिरेशनल साइन है, ये एक ऊर्जा शक्ति जगाने की चेष्टा है कलाकार की दूसरे हजारों जीवंत जीव में और प्राण में, कि हम अगर हैप्पीनेस के कलर्स ऐड करें अपने कैनवास पे तो हमारी ज़िंदगी भी इतनी ही खूबसूरत और इतनी ही मीनिंगफुल बन सकती है। सो अगेन आई विल से इट्स माय प्रिविलेज, बहुत छोटा जीव हूँ इस पूरी पृथ्वी पे, पर अगर मैं अपने फुलवारी का एक मोगरा जैस्मीन बन सकती हूँ, सफ़ेद कलर प्योरिटी, तो उसमें अगर कानन बहन जैसे कलाकार बहुत सारे कलर डाल देंगे तो ज़िंदगी मालामाल हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। लॉकडाउन में बेसिकली सब परेशान थे, उसके बावजूद भी आपने इस पेंटिंग को बनाया एक साल के अंदर, उसमें कुछ परेशानी तो आई होगी कोरोना? यस, जैसे जनरली मुझे जो मटेरियल चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था, शॉप्स वगैरह बंद थी, तो जो भी अवेलेबल मेरे पास अवेलेबल था उसमें से मैंने कोशिश की कि मैं जितना भी रेडी कर पाऊँ। बाद में जब सेकंड ये वेव आया तभी भी इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट के मुझे, यस यस, लेकिन मैं ऐसे सोचती हूँ कि जो बाहर चल रहा है वो ठीक है, हमें अंदर से एकदम काम ही रहना चाहिए, हम जो रूटीन हमारा जो नेचर है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वट एवर इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड लेट इट बी। मुझे पेंटिंग में रुचि खुद आई विल नॉट हैव अ गट्स टू से कि मैं कलाकार बन सकती हूँ। जितना भगवान ने कला के क्षेत्र में आज तक मुझे दिया है वो भी शायद लायकात से ज़्यादा है, इससे और ज़्यादा मेहनत लगती है, पर कहीं ना कहीं बड़ों के आशीर्वाद ने मुझे आज आप तक हमेशा आगे पहुँचाया है, एंड आई एम काइंड ऑफ ब्लेस्ड। बट मामा, एज आई ब्रीफली सेड, माई मामा, माई मम, माई कजन सिस्टर, माई सिस्टर, दे ऑल आर पेंटर एंड एन आर्टिस्ट। आई नो फ्यू आर्टिस्ट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, माई अंकल अजीत अंकल इज एन आर्टिस्ट, कानन बेन आई नो पर्सनली, पुनीता भक्ता आई नो, धीमंत प्यास आई नो दिस ऑल ब्यूटिफुल लेजेंडरी कलाकार ऑलमोस्ट दिल से और करीबी से, उनका पैशन मुझे पता है, और जो हमारा जज्बा है कि हम कलाकार हैं, हम कोई ऐरे गहरे नथु गहरे यूं ही खड़े होकर कुछ दिखा रहे हैं वैसा नहीं है। कलाकारों की जिम्मेदारी जो होती है वो निभाने का जज्बा हम सब ने लिया है और उसके तहत हम काम करते हैं, तो वो खुशी जिसमें आप सबका प्यार मिलता है। सो तारक मेहता की टीम फिलहाल आप सबको बहुत खुश करने में बिजी है, 16 तारीख तक जो भी कलाकार आ सकेंगे, पर मैं एक दावा कर सकती हूँ कि यहाँ पे मुझ जैसे कलाकारों को भी ज़रा कम ब्राइट कर दे, उतने सारे ब्राइट मीनिंगफुल पेंटिंग्स है। तो हाँ, मैं तो आई हूँ, शुरुआत कर रही हूँ, मेरे जैसे कई कलाकार आएंगे, 16 तक आप आते रहिए और इस विधा को जागरूक करते रहिए। ट्रस्ट मी, हर पेंटिंग्स, उनकी जो हमारी सुंदरियां हैं, हमारी जो अभिनेत्रियां हैं, हमारी जो नायिका है, हमारी जो पृथ्वी के रंग है, हमारी जो डेप्थ है, वो सब फिलहाल जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत है वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। आइए आप इसको स्टडी कीजिए, मज़े लीजिए, ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि आर्ट गैलरी को भरना बहुत मेहनत का काम है। आप आए इसलिए हम आपके ऋणी रहेंगे, दूसरे सेलिब्रिटीज़ आएंगे, मुझसे बड़े सेलिब्रिटीज़ आने वाले हैं, आप भी आइए और इस गैलरी की शान बढ़ाइए। थैंक यू सो मच कानन बहन, एंड ये शुरुआत पहला स्टेप है हमारी सक्सेस का, आगे आगे आपके साथ हमें बहुत सारे ज़िंदगी की खुशियों के रंग भरने हैं। जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट्स अ फैंटेस्टिक एग्जीबिशन। मैं राइटर हूँ लेकिन पेंटिंग में भी
मेरी बहुत एक रुचि रही है और मुझे सीखना था, मैं लाइफ में कभी सीख नहीं पाया। मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मुझे पेंटिंग में कुछ 9-10 मार्क्स मिले थे तो, लेकिन मैं सीख नहीं पाया। तो मैं कोई भी आर्टिस्ट के पेंटिंग्स देखता हूँ तो मुझे एक सरप्राइजिंग फील होता है कि इतना अच्छा आर्ट कैसे कर सकते हैं। तो कानन के जितने भी पेंटिंग्स हैं वो एक से बढ़कर एक पेंटिंग है और एक पेंटिंग बनाने में कई बार कई महीने लग जाते हैं। कई बार मूड आया तो लोग एक हफ्ते में भी पेंटिंग बना लेते हैं, लेकिन बनाने के लिए ये बहुत मेहनत, टैलेंट और डेडिकेशन, पैशन वाला काम है। तो मेरा फील्ड एक तरफ से क्रिएटिविटी का ही है तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और कोई भी आर्टिस्ट है, मैं भी राइटर हूँ तो एक क्रिएटिव ऐसा आर्टिस्ट ही हम लोग, नेहा जी है तो एक्टिंग में, तो हर लोग का एक आर्ट रहता है। तो ये जो आर्ट है और इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ये खाली कोई एक थीम लेके नहीं बनाए गए, लाइफ है, जोई जीवन, जोई मीन्स ग्रीक वर्ड लाइफ जीवन, तो आर्ट ऑफ जोई, जोई बाई कानन, तो ये इसमें लाइफ दिखती है। और काफ़ी पेंटिंग जो है कि जैसे कि ये सब आप सीन देख रहे हैं वो पेंटिंग्स जैसे कि स्पीति में, स्पीति वैली में विजिट के दौरान जो देखा हो वो कैमरा में लोग लेते हैं, ये कैनवास पे लेना बहुत ही डिफिकल्ट चीज़। बहुत अच्छा सा पॉइंट आशु सर आपने नोट किया कि जो आँखों ने खींचा उसको कैनवास पे उतारा, दैट इज कॉल्ड जोई बाई कानन एंड शी ट्रेवल्स इमेंसली टू स्टडी हर फील्ड। उसका जो कलर कॉम्बिनेशन मुझे आज देखने को मिला है दैट इज आउटस्टैंडिंग। सच में अगर ये रात होती है और उसमें जो हमें सोने जैसी रात दिखती है और उसको कैनवास पे उतारना और सक्सेसफुली उतारना और हम जैसे आम इंसान को कन्विंस करना ना, दैट इज कलाकार की सक्सेस।